हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो UPPCS, अगर आपको पता, उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका मेंस एग्जामिनेशन चल रहा है। द पैटर्न इज सेम एज UPSC, तो मैंने सोचा उसके पेपर्स को भी डिस्कस कर लेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, एक्चुअली दिस इज द रीज़न व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस पेपर। और जिन्होंने ढंग से UPSC की तैयारी की है वो ये पेपर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने सालों के बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए, UPSC के पुराने पेपर डायरेक्टली पूछे गए। तो आगे के पेपर्स के लिए जो कल GS 3-4 आई थिंक पेपर होने वाला है उनका, आई वुड सजेस्ट कि आप पुराने साल की UPSC के पेपर्स ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप अभी आकर टाइम हो 2-3-4 घंटे, यू कैन सी दोज पेपर्स एंड दे विल बी हेल्पफुल टू यू। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन पेपर। 20 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर था, 3 घंटे का समय दिया गया था। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। तो बिल्कुल बहुत ईजी क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल पूछा गया था, स्पेशली यहाँ पे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का जिक्र करना जरूरी था। हम पेपर डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन क्वेश्चन जरूर आपको दिखाएंगे किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग ये पेपर देना चाहते हैं UPPCS का, वो दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन था डिस्क्राइब द रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस। बुद्धिस्ट लिटरेचर का क्या योगदान रहा है वर्ल्ड पीस को बनाने के लिए। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर आप सबको पता है कि त्रिपिटक जैसे एक बुद्धिस्ट लिटरेचर में आएगा, दीप वंश और ये सारे भी सिलोनिक लिटरेचर हैं जो कि आते हैं बुद्धिस्ट पीस में, बुद्धिस्ट लिटरेचर में। तो वर्ल्ड पीस में इनका क्या है, जितने भी वर्ल्ड मतलब कि बुद्धिज्म की पॉलिसी का क्या, जो भी उन्होंने पीस के लिए बोला है, जो भी चीज़ें उन्होंने बोली है, धम्म की पॉलिसी को भी आप इंक्लूड कर सकते थे जिसने कि अशोक को भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया था। तो बेसिकली ऑल दैट विल कम इन दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। महात्मा गांधी रिप्रेजेंट द मिडिल पाथ अप्रोच इन इंडियन पॉलिटिक्स, गिव लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। महात्मा गांधी का जो अप्रोच था वो मिडिल पाथ वाला अप्रोच था इंडियन पॉलिटिक्स में। बिल्कुल बहुत जरूरी, बहुत सही बात बोली है। महात्मा गांधी ने हमेशा नॉन वायलेंस की बात की, बट महात्मा गांधी बोलते थे मिडिल पाथ की। देखो महात्मा गांधी की अगर आप पॉलिसी देखो तो नॉन वायलेंस हमेशा चला, लेकिन जब उनको पता चला 1942 में कि पानी सर से ऊपर हो चुका है, तो इन दैट ही सेड डू और डाई, ही गेव द पॉलिसी ऑफ डू और डाई। तो ये दिखाता है कि ही कुड हैव, ही वॉज एबल टू चेंज हिज इंस्टेंस। दूसरा अगर आप देखो तो महात्मा गांधी का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म रहता था हमेशा वो मिडिल अप्रोच का रहता था। जैसे कि आप चंपारण का एग्जांपल ले सकते हो, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वर्कर्स का एग्जांपल ले सकते हो। बहुत ज़्यादा जो स्ट्राइक जिन्होंने की थी वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, वो बहुत कम दे रहे थे ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने क्या बोला, जो साहूकार थे बहुत कम दे रहे थे जो फैक्ट्री वाले थे, और वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। उन्होंने बोला ना तुम्हारी ना इनकी, बीच का एक, बीच का उन्होंने परसेंटेज बोला था देने के लिए। तो अगर आप इस तरीके के एग्जांपल्स देखो तो कहीं ना कहीं मिडिल अप्रोच वो हमेशा अपनाते थे, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, चाहे पॉलिटिक्स आप ले लो, चाहे फिर वो आप एग्जांपल हो 1924 का। जैसे उन्होंने पता, देखो उन्होंने पहले नॉन कोऑपरेशन किया, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि वायलेंस हो गया है चौरी चौरा में, ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना कि कब आपको स्टेप बैक करना। तो ही वॉज एबल टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एज वेल एंड ही वॉज एबल टू टेक अ स्टेप बैकवर्ड ऑल्सो। तो यहाँ भी वो चीज़ आ जाती। अगला क्वेश्चन है, कम्युनल वायलेंस इज इंस्टिगेटेड बाय रिलीजियस फैनेटिक्स, इनिशिएटेड बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फाइनेंस्ड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट। कमेंट, बहुत इजी क्वेश्चन था। कम्युनल वायलेंस इंस्टिगेट होता है रिलीजियस फैनेटिक्स के कारण, इनिशिएट करते हैं उनको एंटी सोशल एलिमेंट, सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ऑब्वियस सी बात है वोट बैंक पॉलिटिक्स में यहाँ पे आप जिक्र करते हैं, और जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं उनको फाइनेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लो जैसे सऊदी अरेबिया बहुत जगहों पर इस तरीके के जो कम्युनल वायलेंस है उसको फंडिंग देता है, उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट। तो ये सारे एग्जांपल आप लिख सकते थे, और ये बहुत इजी क्वेश्चन था, वैसे बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था। इवैल्यूएट द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, वुमेन का स्टेटस कैसे भारत में चेंज हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आप इसमें पहले से स्टार्ट कर सकते हो, चाहे तो वैदिक पीरियड से स्टार्ट कर सकते हो, वैदिक के अर्ली वैदिक में क्या था, देन पोस्ट वैदिक में क्या हुआ, उसके बाद मिडिल एजेस में क्या आया, गुप्ता पीरियड के आसपास क्या हुआ, मिडिवल टाइम्स में क्या हुआ, मॉडर्न में क्या हुआ, और जो न्यू वुमेन की कंसेप्ट है, जो न्यू इंडिया न्यू वुमेन का कंसेप्ट आ गया है अब, वो क्या है। तो वहां तक अपने को जाना था, दो दो लाइन चार चार लाइन आप लिख देते, बहुत अच्छा आंसर आपका बन जाता। डिस्कस द सॉल्यूशंस टू अर्बन प्रॉब्लम्स। तो पहले तो आपको बताना है कि अर्बन प्रॉब्लम्स क्या है। ओवरक्राउडिंग की प्रॉब्लम है, स्लम कल्चर की प्रॉब्लम है, क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है उसकी प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स लिखनी, अर्बन प्रॉब्लम्स लिखनी, फिर उनका सोल्यूशन बताना है। तो गिव एन अकाउंट ऑफ मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश, ये यूपी का स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। जो यूपी के लोग हैं या फिर जो बाहर के लोग एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने पढ़ा होगा, ये आंसर कर सकते थे। इन्यूमरेट द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। राइट अ नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग पर नोट लिख ली थी, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। गिव अ जियोग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड ऑन एज अ कल्चरल रीजन, यूपी बेस्ड क्वेश्चन है ये,
यूपी स्पेसिफिक है, तो आप देख सकते हैं कि एक दो क्वेश्चन यूपी के स्पेसिफिक आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो जो बाहर के स्टेट्स के हैं, एमपी के हो गए या उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के हो गए या कहीं और के हो गए, तो वो इस एग्जाम को दे सकते हैं मोर इजीली। 11th क्वेश्चन देखें, द स्पाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग द 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन ऐसे, इंडियन इकोनॉमी की स्पाइन यानी कि बैकबोन किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने तोड़ दी, हमको रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करने के लिए बना दिया, मार्केट बना दिया, हम केवल रॉ मटेरियल देते रह गए, हमने फिनिश्ड गुड्स यहाँ पे बनाए इन इंडिया में, ये सारी प्रॉब्लम इंडिया में सुनी। इंडिया में डी अर्बनाइजेशन आने लगा, सॉरी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, जो ब्रिटिशर्स फेस था वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज हो गया था। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ हिटलर इन ब्रिंगिंग अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बहुत ईजी क्वेश्चन, अगेन बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, हिटलर का क्या रोल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, किस तरीके से वो बार बार इंस्टिगेट कर रहा था, स्लोवाकिया को उसने कैप्चर कर लिया बार बार, जो उन्होंने जितनी भी चीज़ें आप एग्रेशन की बात लिख सकते हैं, एंग्रेडाइजमेंट की, नाजी एंग्रेडाइजमेंट की बात लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं उसमें ना। फिर उस पर फाइनल अटैक उसने किया ही था, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं पोलैंड वोलैंड वाले। देन 1857 रिवोल्ट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी चीज़ चेंज होगी, ब्रिटिशर्स का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चेंज हो गया, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते थे। मतलब मैं क्वेश्चन दिखाने के लिए पेपर डिस्कस कर रहा हूँ कि आप देखो, आप समझो, पॉज करके सोचो कि आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। ईजी क्वेश्चन है लेकिन इतना ईजी नहीं है, जैसे स्टेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं वैसा भी नहीं था, काफ़ी अच्छा पेपर था। जैसे 14th क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। सेक्युलरिज्म एज एन ओरिएंटेशन एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस इज इंडिस्पेंसेबल टू इंडियाज फ्यूचर एज अ लिबरल डेमोक्रेसी। तो इंडिया की जो लिबरल डेमोक्रेसी, उसके लिए सेक्युलरिज्म जो है एज अ ओरिएंटेशन एज वेल एज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस इज इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल मतलब जैसे कि मतलब जा ही नहीं सकता, उसको रहना ही पड़ेगा। सेक्युलरिज्म भारत की लिबरल डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सही बात है। ये सेम चीज़ एसआर मुंबई का जो केस था 1992-94 आई थिंक, ये केस भी देख लीजिएगा एसआर मुंबई का, उस केस में भी इसको बेसिक स्ट्रक्चर में डाला गया था। तो वो सारी चीज़ें भी आप डिस्कस कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15th क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2014 या 15 आई थिंक उसका क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं है। देन अगेन ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन पूछा कि वॉट इज ग्लोबलाइजेशन, क्या इसका इम्पैक्ट है सोशल स्ट्रक्चर में। तो आप बता सकते हैं किस तरीके से, मतलब जो सोशल डिवीजन थे वो थोड़ा कम हो जाते हैं ग्लोबलाइजेशन कारण, क्योंकि जैसे जो कास्ट स्टेटस है वो कोई मायने नहीं रखते। अगर मुंबई में कोई भी कास्ट का बंदा हो तो कोई ये नहीं देखेगा कि आपकी कास्ट है क्या है क्या नहीं है। तो ग्लोबलाइजेशन से वो सारी चीज़ें, आप सोशल स्ट्रक्चर बहुत चेंज होता है, डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, क्योंकि कई जो पुरुष रहते हैं वो दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं काम करने के लिए, तो दोनों जगह का सेक्स रेशियो चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते थे। 17th क्वेश्चन है, डिस्कस गिव एन अकाउंट ऑन द प्राइमरी टारगेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी। यूपी का क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन हो सकता है, ईजी ही लग रहा है वैसे अगर आपको टूरिज्म पॉलिसी पता है तो। 18th क्वेश्चन, व्हाट इज एन एयर मास, ज्योग्राफी क्वेश्चन एंड ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल भी है, तो एयर मास क्या होता है, डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, NCERT 11th क्लास, सीधा सीधा लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। हाउ आर वोल्केनोज अर्थक्वेक्स एंड सुनामी रिलेटेड टू ईच अदर। देखो अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी कैसे रिलेटेड ईच अदर इन तीनों से, और वोल्केनिक इरप्शंस के कॉसेस बताने, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सब ने पढ़ा होगा, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। Then mention the factors responsible for the origin of ocean currents and name the currents of the Atlantic Ocean. तो again a very easy question, very easy question. और Atlantic Ocean में तो ये आपका सारा गैसो पूरा बनता है ना, तो वो पूरे जितने भी currents थे वो आप mention कर सकते हैं यहाँ पे। कैनरी करंट हो गया, जो नॉर्थ Atlantic ड्रिफ्ट हो गया, ये सारे currents है, बहुत easy question है, ये भी बहुत easy question है, तो आप इसका भी answer कर सकते थे। तो these were the questions. I hope you liked these questions. और इनको answer करने की भी कोशिश करेगा, जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं आंसर। मैं कोशिश करूंगा कि सारे पेपर एक बार डिस्कस कर लूं। पेपर से क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए कहीं से भी आए हो, है ना, ये नहीं सोचना चाहिए कि पेपर कहां का है कहां का नहीं है ना। सो दिस इज द थिंग, जनरल स्टडीज पेपर 1 था ये। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।